So guys, welcome back to another gameplay. So guys, आज हम खेलने जा रहे हैं Bed Wars. So let's get into it. So guys, for new players, guys, Bed Wars एक ऐसी गेम है जिसमें जो है ना guys, हम लोग पांच बंदे होते हैं. चार बंदे की टीम होती है. चार अलग अलग टीम होती है जिसमें मैं 4v4v4 खेला. उसमें चार बंदे होते हैं हर टीम के अंदर और चार टीमें वाली गेम खेल रहा हूँ मैं. उसमें हम लोगों को अपन टीम के बैट तोड़ना है, उनको उनकी टीम को हराना है और गेम शुरू कर दिया. सो गाइस अभी हम गेम शुरू करते हैं 4v4v4. गाइस मैं पार्टी में अपने भाई के साथ, तो फिर वो गेम शुरू करने वाला है. हेलो गाइस. सो गाइस अभी जॉइनिंग वर्ल्ड लिखा आ रहा है, गेम शुरू होने वाली. गाइस सॉरी फॉर यू नो द क्रॉसेस बिकॉज मुझे फिक्स भी नहीं कर सकता, वरना मेरे फेस का मर जाता है. गाइस गाइस अशर एसएम बाय द वे, गाइस मेरे ब्रदर का मैंने माइनक्राफ्ट नेम है, इसलिए अगर अशर एसएम मैंने ये मेरा ही ब्रदर है तो फिर ये मेरी टीम में आएगा, जाहिर सी बात है. आपको बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि अक्सर मुझे लूट ड्रॉप कर सकता है, इसलिए समझ जाना गाइस. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी 12 प्लेयर्स आ चुके हैं. 12 प्लेयर्स गाइस, 14 प्लेयर्स पे गेम शुरू हो सकती है. 20 सेकंड्स काउंटडाउन हो जाता है 14 प्लेयर्स पे. और गाइस लास्ट टीम जो जीतती है ना, लास्ट टीम स्टैंडिंग विंस, दिस इज द थिंग गाइस. सो गाइस अभी मैं गाइस अभी 15 सेकंड्स रहते हैं. 15 14 13. सो गाइस आज आप लोग रूल समझ चुके हैं, हम लोग चीज़ें खरीद जाएंगे लाइक सोर्ड शील्ड्स, पिक एक्सेस, अगली टीम को हराएं, बेस तोड़ेंगे, उनके बैट तोड़ेंगे, फिर उनको हराएंगे. अभी मैं स्टार्टिंग में एम्बर्स से ले जाऊंगा. ठीक है. सो गाइस अभी मैं फुल आयरन ले जा रहा हूँ गाइस. गाइस अभी मैं आयरन लूँगा, फिर मैं जाऊँगा वाइज में. मैं फिर वाइज जाके जो बेस में जाके थोड़े एम्बर्स लेके आऊँगा अपने लिए और बाकी टीम के लिए भी. बस तो पहले ना थोड़ा मैं सोचता हूँ हमेशा वुड लगा के जाता हूँ अपनी टीम के बेस पे. यार भूल से करते गाइस, मुझे कभी पसंद नहीं आता जब लोग भूल से करते हैं गाइस. दूँ बैठने भाई वुड से, मैं वुड लेके आ रहा हूँ गाइस. वुड ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वुड एक्सी टूटी होता है और वुड पिकैक्स टूट जाता है. लोग जो है ना वो पिकैक्स इस्तेमाल कर देते हैं वुड को तोड़ने के लिए भी. और वुड जो ज़्यादा गाइस वो ज़्यादा शीयर से तोड़नी चाहिए, लेकिन जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है ना मैंने गलत वुड लगा दी बातें करते करते गाइस. सो गाइस अभी मैं ऐसे लूँगा कि थोड़ी सी वुड लेता हूँ, मैं भी जाता हूँ गाइस थोड़ा सा बाहर जाता हूँ मैं गाइस. अब एमरल्ड्स लेके आता हूँ, बाकी ना आयरन वगैरह लेके आता हूँ गाइस. एक आयरन फार्म पे येलो आ चुकी है और दूसरे आयरन फार्म पे हम लोग जा चुके हैं गाइस. सॉरी आयरन नहीं, डायमंड फार्म गाइस. हाँ अगर मैं सीधा भी एक बना देता हूँ ताकि हम लोग ना एमरल्ड्स भी लेके आ पाएँ, सीधा अटैक भी कर पाएँ. अगर मैं सीधे बना गाइस हर बार अच्छा नहीं होता, कभी कभी होता ना ओपोनेंट अटैक कर देते हैं आपके बेस में सीधा देख के. गाइस मैं नीचे गिर गया. गाइस मेरा भाई बोल रहा है शुक्र उसने नहीं दिया मुझे आयरन शॉट बिकॉज वो देने वाला था, फिर मैं नीचे गिर गया अचानक आपसे कोई सामान ले सकता हूँ, कॉमन चीज में सब लोग ले सकते हैं आपको सामान. तो वैसे सब कॉमन चेस्टी है, इसमें जस्ट है नहीं गाइस ज़्यादा मैप पे कॉमन चेस्ट ज़्यादा सिर्फ एंड चेस्ट है. सही है गाइस, पकड़ना पड़ेगा. डिस्क कर लिखा रहा है यार, छोड़ो उसको. ओ ये वाली डिस्क की वजह से हो रहा है गाइस सारा टाइम. मैं थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा हूं गाइस. क्या होता है लिखा था मैं स्पेस कम है, लेकिन बाद में जो है ना गाइस मैं जस्ट क्लिक करता हूं उसको एक्स में एस दबा देता हूं और फिर नीचे गिर जाता हूं गाइस. इतनी भी कम स्पेस नहीं मेरे पास बैकअप पड़ा. तो गाइस अभी मैं दोबारा वुल खरीद रहा हूँ. 200 पॉइंट में वहाँ पर गिर जाऊँ. वो आर्मी तो वैसे बिल्ड कर लो, कोई प्रो प्लेयर में से बिल्ड कर लो मेरे साथ. जल्दी आओ मेरे साथ डिफेंड. गाइस मेरा बॉडी गार्ड है क्योंकि प्रो प्लेयर इसलिए मेरा बॉडी गार्ड ही है. पीरो प्लेयर भाई मेरा भाई एक नंबर का पीरो प्लेयर है. मैं पीरो प्लेयर नहीं हूँ, मैं तो आपने देखा ही होगा दो दफ़ा गिर चुका हूँ मैं. कर दीजिए एमरल्ड तो नहीं, मैं बट तोड़ूंगा जाके. मैं उसको मारूंगा. हम लोग हमला कर दिए. मैं भाग रहा हूँ, मैं मर गया. मैं भाग रहा हूँ और मैं मार खाते खाते वापस आ गया. मुझे पता है इतना तो तभी डूबती हूँ मैं. खेली भी है मैंने भी बड़े और बच गया गाइस. गाइस फाइट देखी गाइस मेरी. हैया मैं मर गया गाइस, मैं मर गया. आयरन सोर बॉय मैं देखो पीरो प्लेयर है. मैं नहीं खरीद रहा, ये खरीद के दे रहा मुझे हर चीज़. जल्दी आयरन सोर दो मुझे.
और उसकी बैकअप तैयार रखना मैं मर जाऊंगा। और मेरी बैकअप तैयार रखना मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। क्या और पीछे हाँ थैंक यू। आयरन की कमी नहीं अपन के पास, बहुत अमीर आदमी अपन। शाबाश, मुझे पिकास भी ले दो, रेक्स भी ले दो। मजाक कर रहा था, नहीं अपने ले लो, अपने ले लो। कितना बड़ा ग्राइंडर है, पीरो प्लेयर है, पीरो प्लेयर। जल्दी दो, पिकैक्स नहीं मिला मुझे। सही बोला ये बात भी, समझ में आया। वेट करो, मैं अभी वेट करो, मैं अभी अपना एक्स भी ले रहा हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ दुश्मनों के बेस तोड़ने। आ रहे, मैंने शेयर नहीं लिया। मेरे पास शेयर है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है। चलो हम चलते हैं। देखो पीरो प्लेयर अपनी टीम, अगर मैं तो ज़्यादा गेम को जीतता हूँ बिकॉज अपनी टीम में तीन पीरो प्लेयर ले लेता हूँ। प्रो पता था, पूछते क्यों नहीं कभी बड़े। हमारी टीम का एक आर्मी गोल्ड से सुपर कर रहा है। हाँ यार ब्लू टीम का दो दफा ब्रिज बनाता ब्रिज बनाना छोड़ दिया हमेशा के लिए। भूल का बेस उनके पास में तोड़ने लगूंगा। उनको पता नहीं उनकी मौत आ रही है। रेटिंग के पास आ रहा हूँ गाइस, उनकी मौत आ रही वाली है आज। हमारी ना मौत आज डर लग रहा है। आयरन एक्स ले लिया, बताओ मैंने कहा तो मैं वुड एक्स कर गया था तो मैं आयरन एक्स लेके जा रहा हूँ। पिकैक्स भी लूंगा आयरन, बिकॉज क्या पता वो वुड लगा लें। ब्लू टीम मैंने कहा हम पे हमला करी थी, मैं जो मौका लेके मैंने ब्लू टीम के बेस में छलांग मार दिया। मैं उनको जाके मार दी, मैंने उनका बैट तोड़ दिया मैंने गाइस। चलो गाइस अभी मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं भी रेड टीम का बेस्ट बैट तोड़ने जा रहा हूं गाइस। मैं येलो टीम की तरफ जा रहा हूं। तो गाइस येलो टीम जो है ना गाइस, उनका उनका बैट वो तो रेड टीम को डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका आयरन और गोल्ड ले लो। ठीक है, मजा नो आई थिंक आई एम गोइंग टू मैन ब्लू। ओके ठीक है, एनिमल्स। ओके गाइस ये रेड टीम ने भी अच्छा, रेड टीम ने बहुत अच्छा बेस बनाया। जरा देखो उनकी डिफेंडिंग, हमारा वो चार एमरल्ड लेके आ रहा है। चार एमरल्ड लेके आया, शाबाश। ऑब्सीडियन का बेस बनाओ, डिफेंड करो जल्दी से। मैं थोड़ा एमरल्ड लेके आता मैं भी। ठीक है ऑब्सीडियन गाइस, ऑब्सीडियन है स्ट्रांगेस्ट ब्लॉक है गेम का। उसके बाद बेडरॉक भी है, लेकिन बेडरॉक जो है गाइस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए। और बेडरॉक अनब्रेकेबल ब्लॉक कहते हैं उसको, अनब्रेकेबल ब्लॉक कहते हैं लोग। डायमंड का पिकैक्स ले लिया अभी। हां और रेड आ गया माइक्रो, गाइस जो है ना बेडरॉक इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक, बट बेडरॉक बेड है ना ज़्यादा लोग बनाते नहीं है, इसीलिए जो है ना ऑप्शन। लेकिन बेडरॉक आप तोड़ नहीं सकते, सिर्फ कुछ नीचे से तोड़ सकते हो, लेकिन जो है वैसे तोड़ से तोड़ नहीं सकते। इसलिए जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है जो कि आप तोड़ सकते हो वो ऑब्सीडियन है। और इस गेम में और गेम मोड में ऑब्सीडियन अलाउड है, इसलिए ऑब्सीडियन का बेस बनाओगे मतलब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसलिए मैं कहता ना ऑब्सीडियन का बेस बनाते हैं और जो है ना वो एमरल्ड छता था एमरल्ड है। और मुझे गिरा भी दिया बंदे ने, मैं एक्सप्लेनेशन तो कर देते पूरी मेरी आ रहे हैं, मुझे गाइस मारे जा रहे हैं। जब जब भी सेव का निशान आया मैं तब तब मरो। किसी ने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन बाहर वक्त ही आ रहा है डिस्कवरी। और सॉरी से भूल जाएंगे हम लोग, लास्ट टाइम भूल की कमी बहुत मुझे कसके पड़ी थी मुँह पे। तो गाइस अभी मैंने और ले लिया गाइस 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 गाइस। तो गाइस अभी मैं अपना एक्स ले रहा हूँ, आयरन का अच्छी बात है गाइस। मैं अभी एंड पर गोल्ड रखता हूँ बाकी का, बिकॉज मैं जाने वाला हूँ रेड टीम का बैट तोड़ने के लिए। गाइस हो सकता है मैं मर जाऊंगा, मुझे लगता है कि रेड टीम यहाँ पे आ चुकी है। क्या क्या कर क्या रहा है, मतलब ऑब्सीडियन डिफेंस कर रहे हैं हम लोग, ऑब्सीडियन डिफेंस। लकी अस हमारा ज्यादा नहीं थी तो हम अंदर से कर रहे हैं। शाबाश करो गाइस, मेरा भाई और मेरा टीम जो है ना ऑब्सीडियन डिफेंस करेगा। गाइस ऑब्सीडियन इज द हार्डेस्ट ब्लॉक इन द गेम। यस मैंने आपको समझा दिया था पहले। सो गाइस अभी हमें बस दो और ऑप्शन थे हमारे पास। अभी मैं रेड टीम के बीच में दोबारा जाने की ट्राई करूंगा, लेकिन इस बार मैं थोड़ा दिमाग से करूंगा। ठीक है गाइस, सबके सामने चला जाऊँ मैं सीधा। अरे मैं तो कभी मारने आ रहा हूँ आराम से, मुझे जाने तो मारने के लिए। सब वो नहीं करेंगे ना, वो भी कहेंगे मारने आएंगे मुझे, इसलिए वो हमारा बेस्ट बेस्ट तो नहीं आ सकते हैं।
और हम उनका बेस तोड़ने आ सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे मैं डिफेंड मेरा भाई कर रहा है, ज़्यादातर मैं डिफेंड करता हूँ, अर्जुन टॉर है, मैं अटैक की जा रहा हूँ और वो डिफेंड की जा रहा है। मल्टी पे रेड आ रही है और मैं उनकी टीम में जा रहा हूँ। मैं नीचे गिर गया गाइस, डिस्ट्रॉयड। और एमर लेके आया कितना बड़ा डिफेंड, पूरा चार डिफेंड हो चुके सही से। या फिर दो और चाहिए, जल्दी से लेके आओ जल्दी लेकर। ठीक है जाओ। सो गाइस अभी हमें यहाँ लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव, बिकॉज हमारी टीम में सारी पीरो प्लेयर है गाइस, फुल पीरो प्लेयर्स। अच्छा आती है बहुत ज़्यादा, इसको नीचे दूंगा मैं फ्री के। यस हमारा डिफेंस गाइस, हमने ऑब्सीडियन का डिफेंस मार दिया सही, पूरा करो ठीक है, वरना वो ऊपर से वुड तोड़ देंगे, बट तोड़ देंगे हमारा ऊपर से। तुम हमने वो एक साइड पूरी करो यार जल्दी से। डायमंड का पिकअप बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए लेना गाइस। सो गाइस अभी मैं ब्लू टीम से रेड टीम हमला करूंगा, बिकॉज मैंने येलो टीम से ट्राई किया था, येलो टीम रेड टीम ने मुझे देख लिया था, मुझे दो दफ़ा मार दिया है, इसलिए गाइस मैं येलो टीम में सोच रहा हूँ कि मैं ग्रीन टीम रेड सॉरी येलो टीम के बेस से जाऊंगा। ब्लू है रेड येलो मुझे ये नहीं पता अब तक मैं किसके बेस से घुस गया हूँ। हाँ ब्लू था येलो तो होता था। और रेड टीम के दो पैसा मामला, हमारी टीम के बेस में दो रेड टीम के प्लेयर्स गए हैं, पकड़ो उनको। शिट गाइस उसने मुझे मार दिया। फिर डिफेंस पूरा करो कुछ डिफेंस ही चाहिए। हमने फिर डिफेंस किया गाइस, हमने जगह तो गाइस उनको पता चल जाएगा कि मेरे पास फिर डिफेंस है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स लेके आते हैं, तो वो दिन डायमंड पिकैक्स लेके आने में सोचेंगे, उनको पता चल जाएगा ऑब्सीडियन है, इसलिए मैं कि ऑब्सीडियन वो देखे ना उनको हमारे पास ऑब्सीडियन है, इसलिए उनको पता ही ना कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, तो वो बगैर डायमंड पिकैक्स आयरन पिकैक्स लेके आ जाएँ और हमसे मार खा लें है ना। गाइस आई एम स्ट्रेटेजिक लीडर ऑफ द टीम, लेकिन सारे काम मेरे टीममेट्स कर रहे हैं। क्रेडिट सारा मुझे मिलना चाहिए। Somebody gives the ideas and somebody does it. Idea man always get the credit. You did good. भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि तारीफ जो है ना, जिसने देना आइडिया देता है उसकी आइडिया दिया तो उसकी तारीफ होती है, जिसने बनाया तो उसकी कम तारीफ होती है, और बात सही है। अमेज़न का मालिक माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने बनाया। आई डोंट नो माय लाइफ मैथ छोड़ो, कुछ भी नहीं पता, साइंस भी नहीं पता, उसने आइडिया बनाया था और बाकी लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन सर उसको मैंने जिसने आइडिया दिया और वो खैर उसको सही मिला जिसने आइडिया दिया, बिकॉज उसने आइडिया नहीं दिया तो ये लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते थिंग्स। लेकिन जिन्होंने लोगों ने एग्जीक्यूट किया उनको भी मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की हो सकती है, और कुछ लोग नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं सीधा देखते हुए, उनको प्रॉफिट भी सही पैसे मिलते हैं ना। और एप्पल जैसा सीईओ है सैमसंग के साथ लड़ाई करते हैं वो लोग, उन्होंने लड़ाई करते रहते हैं, को शार्पनेस दी है, ही तो वेरी गुड मैन। हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं गाइस। ओ यार यार टीम के कमीने, सॉरी गाइस, रेड टीम के मन तक बहुत बुरा था गाइस, हमारे से हमला हो चुके हैं, हमारे ऑब्सीडियन है, रिलैक्स, दे कैन डू एनीथिंग। गाइस हमारा बेस टूट गया गाइस, ऊपर बैठे हैं डायमंड को भी क्या है ये सारे कम में लोग हैं गाइस, बहुत बुरे लोग हैं गाइस। हम लोग जान से रहना पड़ेगा, हमें बुरा मरे तुम बच गए हो, क्योंकि मैं बच चुका हूँ जिंदा, बट मेरे पास बहुत सारे गोल्ड था एंड जस्ट में, अब टाइम है उसको निकालने का। ब्रो मेरे पास 49 गोल्ड है, 49 गोल्ड, मैं बच रहा हूँ अपने आप को, एक छोटे से रॉबर्ट पूल में डाल दिया इस बार, मैंने एक्शन में भूल दी तो मैं कहीं फंसूंगा नहीं। लेकिन हम लगाने आ चुकी है कोई आ चुका हूँ, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, सीट को देखते हुए क्राउच क्लिक कर देना भाई, तो मैं मर गया गाइस। गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब।
प्लीज़ नोटिफिकेशन सो नेवर मिस एनी वीडियो।